हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे बीएसएससी सीजीएल 3 एग्जाम अपडेट के बारे में, यानी कि सचिवालय सहायक का एग्जाम जो 26-27 नवंबर को निर्धारित है। और इसमें तीन बातें हम लोग के दिमाग में आ रहा है। आयोग की प्रतिक्रिया न आना क्या दिखाता है, क्या अब एग्जाम हो पाएगी, यदि परीक्षा नहीं होगी तो अब तक नोटिस क्यों नहीं। ये तीन बातें सभी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, आयोग की प्रतिक्रिया न आना अब कुछ अन्य स्रोतों से पता चला है कि अब एग्जाम होने वाला नहीं है, यानी दिसंबर से पहले एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है, चूँकि किन्हीं को पता नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या अब एग्जाम हो पाएगी। क्योंकि एग्जाम डेट दिया हुआ है, निर्धारित है, तो अब भी सस्पेंस की स्थिति है दोस्तों, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और अगला देखिएगा, यदि परीक्षा नहीं होगी तो अब तक नोटिस क्यों नहीं। बात हकीकत है, मैं पहले भी बताया था आप लोगों को कि यदि परीक्षा नहीं होगी तो अब तक नोटिस आ जाना चाहिए, लेकिन बार बार छात्र नेता के द्वारा भी प्रेशर देने के बावजूद भी किसी तरह का कोई नोटिस नहीं आ रहा है। ये आयोग की कंप्लीटली उदासीनता है। आप ये भी कह सकते हैं कि आयोग का जो डिक्टेटरशिप है ये दिखाता है कि छात्र हित क्या होता है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं, छात्र किस तरह प्रेशर को झेल रहे हैं इसका कोई लेना देना नहीं। ये निश्चित रूप से अब मैं समझता हूँ कि छात्रों को एकजुट होकर आयोग से एक ही सवाल करनी चाहिए, हैशटैग चलाकर, कि आखिर क्या बात है, क्या करना चाहते हैं, एग्जाम होगी या नहीं होगी। कम से कम अब देखिए कि आज 14 तारीख हो गया, तो 10 से 12 दिन का समय, उसके पहले कोई किसी तरह का कोई नोटिस न आना ये आयोग की उदासीनता को ही दिखाता है दोस्तों। ये समझ से परे है क्या होने वाला है क्या नहीं, पढ़ाई जारी रखा जाए या फिर थोड़ा रिलैक्स महसूस किया जाए, तो ये कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आ पा रहा है। इसलिए हम लोग भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं, हम लोग भी बार बार झूठा होते जा रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब भी आप अपनी तैयारी को पॉजिटिवली जारी रखिए दोस्तों, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आप, मैं वीडियो के आज के वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, इधर उधर की बातों में ना आइए, आप जारी रखिए, जो होना होगा होगा, आप लगातार पढ़ाई को जारी रखिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही अपडेट, धन्यवाद।